रोल सर। श्री छगन भुजबळ यांनी काल एक क्लॅरिफिकेशन दिलं की डाळीचा जो साठा पडलेला आहे ते केंद्राची परवानगी नव्हती म्हणून ते वाटण्यात आलेलं नाही आहे। माझं स्पष्ट मत आहे हे सर्व खोटं आहे, ही फसवाफसवी आहे। एखादा वेळी केंद्राने राज्याला साठा दिल्यानंतर आपल्याला पुन्हा केंद्राची परवानगी घ्यायची काहीच गरज नसते, आपल्याला फक्त केंद्राला हिशोब द्यायचा असतो। कारण केंद्राला एवढंच हवं असतं की हे जे लाभार्थींसाठी साठा पाठवण्यात आला होता त्यांना ते साठा भेटला की नाही, आणि त्यांनी हेही मान्य केलं आहे की 6,600 टन डाळ अशी पूर्ण राज्यात पडून राहिलेली आहे, अर्थात 66 लाख किलो। मी त्यांचा राजीनाम्याची मागणी करतोय, कारण 66 लाख किलो डाळ सडण्याचा जबाबदार व्यक्ती एकमात्र जो कोणी आहे तर ते श्री छगन भुजबळ आहेत। श्री छगन भुजबळ इन्होंने कल रात को एक क्लेरिफिकेशन दिया कि ये जो दाल पूरे राज्य में पड़ी है वह केंद्र की अनुमति न मिलने के कारण उसका वितरण नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सफेद झूठ है। जनता को फंसाने का काम अब आप बंद कीजिए। केंद्र ने आपको यह सभी लाभार्थियों को बांटने के लिए दिया था और केंद्र के पास दोबारा अनुमति मांगने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। केंद्र को मात्र हिसाब चाहिए कि ये दाल लाभार्थियों को गई, और आपने यह कबूल किया है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में 6,600 टन दाल ऐसी पड़ी है जिसका आटा हो चुका है, जो सड़ चुकी है। मैं उनके राजीनामे की मांग करता हूं, क्योंकि 66 लाख किलो दाल जो सड़ी है उसके लिए कोई जवाबदार है तो वह मिनिस्टर श्री छगन भुजबळ है। एक खंड बेड फोर्टिस बट इन लोगों ने ऑक्सीजन अपावानो मैंने चालू किया जंबो कोविड में सर। जंबो कोविड में ऑक्सीजन 15 लीटर 1000 मिनिट हो जाए सर। मैं राखी से ना तो 96 आवे से आवे से तो 75 जाए। आता काय नाही ते स्टॉक होय होऊन गेलं, कारण 20,000 लोकांना जातात। आता मला एक सांगा, उपासनीमध्ये ना ऑक्सिजन ऑलमोस्ट संपतो माहिती आहे, ऐका ना। एक पेशंट शिफ्ट करायचे ते 15 लिटर ऑक्सिजनवरती होती, SpO2 लेवल 15 लिटर ऑक्सिजनवरती 96 येत। एक मिनिट, नाम पेशंट सीता जैन हो, मी ते BMC मध्ये रजिस्ट्रेशन हो।